हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल नोटनूब गेमिंग पर। मेरा नाम है अंगद। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद रहेगा कि हमने माइनक्राफ्ट में ख़तरनाक सीन हुआ था हमारे साथ। हम एक एक्सप्लोरेशन के एपिसोड को स्टार्ट किए थे, लेकिन जब मैं एक्सप्लोर करने गया था समुंदर के बीच में, मेरे को एक ट्राइडेंट वाले ड्राउंड ने मार दिया। और सबसे गलत बात पता क्या हुआ उसमें, मेरा जो सारा का सारा जितना भी सामान मैं इन्वेंटरी में लेके गया था ना, वो सारा खत्म। टाटा, गुड बाय बाय बाय, सब गया। और मेरा जो डॉग है ना, वो भी गया था। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, मेरा जितना भी आर्मर था आयरन का, वो सब गया। और उससे भी खतरनाक चीज़ पता है क्या थी, मेरे पास एक डायमंड की स्वॉर्ड थी जो कि गई, खत्म, टाटा। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है दोबारा से अपना सामान लेके आने का, मतलब उधर से जाके नहीं, जितना भी ग्राइंडिंग करने का है, आयरन का आर्मर तो एटलीस्ट लेके ही रखने का आज अपने को, ठीक है। तो चलिए, अब चेस्ट में भी अपने पास थोड़ा सा सामान है जो हम लूट से लेके आए। जैसे कि हमारे पास देखो दो आयरन की सोल्ड है, तो हम ब्रांड न्यू लेके जाएंगे, ब्रांड न्यू आयरन की सोल्ड। और एक हेलमेट भी अपने साथ, कुछ ब्लॉक्स भी ले जाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। चार एमरल हैं, एक्स भी ले लेते हैं, पिकैक्स भी एक ले लेते हैं, जो हेलमेट पहन लेते हैं पहले सबसे। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ है? नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं है। इसमें पांच रॉ कॉपर्स हैं, तो चलिए गाइस अभी कुछ भी काम का नहीं है अभी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हमें केव के एक्सप्लोरेशन। अरे वाह, मेरे वीट्स भी उग गए। अच्छा है, उगने देते हैं इसको, अभी तोड़ेंगे नहीं। पहले तो हमें ना लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, बहुत ज़्यादा जितने भी लकड़ियाँ हो सकती हैं ना, सारी इकट्ठी कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत है। एक वाटर बकेट भी बना, वही बहुत काम है आज। तो चलिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ओ यस, लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है। ओ यस यस यस, अरे यार ये वाला तो ख़त्म हो गया। ये वाला पेड़ स्टार्ट करते हैं कूदना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जितने भी पेड़ हैं कूद के उसके बाद। तो चलिए गाइस, मेरे को लगता है मेरे पास इनफ फूड तो आ चुकी है, और मेरे जो एक्स उसकी हेल्थ भी जाने वाली है। चलिए पहले जितना भी हमको मिला उसके सब प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने भी हमें वुड के लॉग्स मिले हैं, प्लैंक्स बना लेते हैं। इसका भी बना लेते हैं बर्च के, इससे क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं पहले। तो कुछ स्टिक्स भी बना लेते हैं। चलिए गाइस, स्टिक्स भी बन गए हमारे, थोड़ी और स्टिक्स बना लेते हैं। नहीं हाँ, इतनी काफ़ी रहेगी मेरे ख्याल से। चलिए गाइस, सारा सामान तो आ चुके हैं, अभी हम उस केव के अंदर चलते हैं, मतलब ये जो रिवीन है इसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा सामान है। यहाँ से चलते हैं। चलिए, कोयला है इधर थोड़ा सा, कोयले को खोदते हैं भाई। लेकिन स्ट्रेट डाउन तो कभी डिग नहीं करना चाहिए माइनक्राफ्ट में, मैंने सुना है। नहीं तो अगर कहीं लावा का पूल या फिर कहीं खाई रहेगा तो हम सीधा मर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से पहले तो कोयला इकट्ठा करते हैं जितना भी हो सकते हैं। चलिए गाइस, अब इधर कोयला इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो क्या गाइस, कोयला तो इकट्ठा हो चुका है अभी। अरे नहीं, वो बच गया, मरा नहीं मैं। चलिए गाइस, अब आयरन खोदते हैं। आयरन है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है माइनक्राफ्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आयरन। लेकिन यार मेरे को आसपास कहीं दिख नहीं रहा आयरन, किधर है? इधर से नीचे खोदना चालू करते हैं, क्या पता आयरन मिल जाए। हाँ मिल गया, मिल गया, यस आयरन, एक आयरन का ब्लॉक तो एटलीस्ट मिला हम लोग को। चलिए गाइस, मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ है इस केव में। अच्छा हाँ, नहीं, उधर है आयरन थोड़ा। नहीं, अरे यार मैं 3 हार्ट पे आ गया। नहीं, मेरे को दोबारा जल्दी से ऊपर जाने के, और जितना भी खाने का सामान है वो लेके आने। पहले मैं आयरन खोद लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ लेके आता हूँ जितना भी रिक्वायर्ड चीज़ है। इसका हमें आयरन का आर्मर तो बना ही लेना है आज भाई। यहाँ पर जोम्बीज हो सकते हैं भाई, मैं नहीं रिस्क ले रहा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उधर है आयरन, वो आयरन लेके चलते हैं। यार क्या, मैं क्यों लालच कर रहा हूँ इतनी भाई, क्या प्रॉब्लम है मेरे को, क्या तकलीफ है मेरे को। वैसे मैंने टॉर्च लगाई तो कुछ होगा नहीं ये साइड, मेरे ख्याल से कोई मॉब स्पॉन नहीं होने वाले। वैसे यार मैं 3 हार्ट पे हूँ भाई, डर तो फिर भी लगता ही है। क्या पता एक आधा स्केलेटन का शॉट पड़ जाए, मैं ऐसे ही ख़त्म। बस स्केलेटन नहीं आना चाहिए, जोम्बी आ जाएगा तो मैं से फाइट नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा सीधा। चलिए अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, बहुत टाइम लगेगा ऊपर जाने को, या फिर नहीं।
नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। मरने वाला था गाइस अभी मैं। कोई नहीं गाइस, अभी हम रिस्क नहीं लेते, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही कूदते हैं, ठीक है? हमको कोई रिस्क नहीं चाहिए। अब यार ये बीच में मत आना तू प्लीज। हाँ भाई भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। अब यार डर्ट तू साइड हो पागल, डर्ट भागो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। तो चलिए गाइस, अभी हम 3 हार्ट पे निकल चुके हैं यहाँ से बाहर हमें। अरे बाप रे, अपना फार्म भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। मेरे को है ना एक ऑटोमेटिक फार्म बनाना होगा। ऑटोमेटिक फार्म मैंने सुना बहुत सही काम करता है। एक ऑटोमेटिक फार्म तो होना ही चाहिए अपने पास। नहीं, यार मैं चल गया इधर, मेरे को होए भी नहीं अब मेरे पास तो। कोई नहीं, जितना सीड मिला इसको तो लगा ही देते हैं इधर, बाद में हो भी क्राफ्ट कर लेंगे एक। चल भाई चिकन आ जाए इधर, चिकन की ब्रीडिंग कराते हैं सबसे पहले तो। भाई उन दोनों चिकनों को भी बुलाते हैं इधर सबसे पहले। चिकन इधर आ जाओ। हाँ भाई तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। हाँ बस, अरे हाँ हो गया ना बच्चा। अब इस चिकन को भी खिला देते हैं सारा का सारा। चलिए गाइस, अभी हमें क्राफ्ट करना है थोड़ी बहुत सामान। मैंने यहाँ पर भी शुगर केन उगाई थी, याद जिन्होंने देखा रहेगा उन लोग को पता रहेगा पिछला एपिसोड। तो चलिए अब यहाँ से हम खाना भी बना लेते हैं। 8 हमें आयरन मिल चुके हैं, हमें और खोजने भी जाना होगा अब जल्द से जल्द। वीट हमें इतनी मिली है, कोई बात नहीं, इस आयरन को स्मेल्ट करने रखते हैं। इधर कोयला भी रख देते हैं थोड़ा सा। भाई यार हमें एक ब्रेड तो बना ही लेनी चाहिए अभी, इससे एक ब्रेड तो बन जाएगी जिससे अपना पेट थोड़ा सा तो भर ही जाएगा मेरे ख्याल से। तब तक हम क्राफ्टिंग शुरू करते हैं। यार 3 ही कोबलस्टोन है। कोई नहीं, मैं इसका बनाऊंगा एक पिकैक्स। यस, और कुछ है हमारे पास? हाँ एक वुडन की एक्स है, इससे काम नहीं बनेगा। चलिए गाइस, 3 आयरन तो आ चुके अपने पास, इससे हम एक और चाहिए मेरे को। हाँ बस, इससे हम बूट्स तो बना ही लेंगे कम से कम। मैं सोच रहा हूँ बूट्स तो, नहीं, बूट्स नहीं हमारे पास, हेलमेट है ना। कोई बात नहीं, हम बूट्स बनाएंगे इधर ना ऐसे। हाँ बन गए बूट्स, इसको हम इधर रख देते हैं। इस गाइस अभी हम थोड़े से और ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुके हैं, बस हमें एक चाहिए वाटर बकेट बनाने के लिए, मतलब नॉर्मल आयरन की बकेट। इससे हम एक बकेट तो बना ही लेंगे। चलिए गाइस, एक बकेट भी बन चुकी है सिंपल सी, और आयरन, एक आयरन आ चुका है अपने पास। चलिए गाइस, अब देखते हैं कोई एनिमल है उसको मारते हैं। अपने फार्म में चलते हैं पहले, तो एनिमल्स का मीट निकाल के आते हैं। हाँ चलिए गाइस, शीप का निकालते हैं। हमें एक शीप का मीट, बस कितनी शीप है टोटल अभी? हाँ 2 है ना, चलता है। एक शीप को भी मार देते हैं। यस गाइस, हो गया अभी काम। एक चिकन को भी मार देते हैं। चलिए गाइस, इससे पेट तो भर ही जाएगा अपना। यार सॉरी एनिमल्स, तुम लोग को मारना पड़ा, लेकिन क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए गाइस, अभी रात भी हो रही है, बकवास बंद करते हैं और सोने चलते हैं। यू कैन ओनली स्लीप एट। अरे रात तो हो गई है ना, क्या क्या में कोई भी नहीं। तब तक मैं अपना जितना भी खाना मिला ना इसको इधर डालता हूँ, और उस वाली फर्नेस में इसको डाल देता हूँ। अब मजा आएगा। यार रात तो हो गई है ना, सोने दो ना, सोने दो। हाँ ठीक है, हम सो भी गए अभी। चलिए गाइस, एक तो आया अपने पास, फाइनली गाइस अपना पेट भर गया। चलिए गाइस, अभी अपने पास सामान तो सारा आ चुका है, दोबारा से बस आयरन का आर्मर के लिए हम लोग को लेगिंग्स और वो चाहिए चेस्ट प्लेट, और जितने भी 2 डायमंड से बैक में चाहिए दोबारा से। और हमको एक डॉग को भी टेम करना होगा दोबारा से, क्योंकि जो अपना डॉग था वो तो मर गया होगा उधर कब का।
तो चलिए गाइस, आई थिंक मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।